سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا صاحي كي تستريح وقلت الدعاء الخفي الصريح يسعك नया प्रोजेक्ट है गाड़ी का करने जा रहे हैं सख्त गर्मी में। हाँ जी, कौन सा प्रोजेक्ट है शर्जील? टाइम है 3:15। मैंने कहा कौन सा प्रोजेक्ट है? टॉप सीक्रेट है ये। अच्छा जी, टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट है, एक पुरानी गाड़ी ली है हमने, उसको हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, हमें तो नहीं बताया, हमने किसी को भी नहीं बताना। मामू को पता होगा, मामू से पूछते हैं। गाड़ी तो इन्हीं की है, उसका कभी बनना है। سبيل الدموع سبيل مريح سند هدايا صاحي كي تستريح. ये जी प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। ये भी प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हैं। तो जी, गर्मियां जैसे आ रही हैं, अब गर्मियों के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ियों में एसी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी प्रोजेक्ट शोर बहुत है। प्रोजेक्ट पिछले साल हुआ था, लेकिन अभी जो है कंप्लीट होने वाला है, कुछ थोड़े से अर्सा रहता है। जो अपनी ये वाली जो प्रोजेक्ट था होंडा सिविक 97, इसका प्रोजेक्ट कुछ रहता था हमारे पास, और कुछ हमने कहा पेंडिंग में चलाते हैं, अभी चल रही है, सारा काम हो रहा है। तो अभी ये जो है एसी वाले हैं, कुछ इनसे थोड़ा सा काम शाम हो रहा है। और इसके अलावा जो है इसके दरवाजे डेंटिंग पेंटिंग जो कोई काम होगा ना, वो बाद में हो जाएगा। बाद में लाहौर चलेंगे बिलालगंज से, सारा काम होगा। कुछ हद तक तो काम हो रहा है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी, सर्विसिंग के लिए जो गाड़ी आई हुई है ना अपनी, तो उसके अलावा यहाँ पर सर्विस के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं। ये देखो, कुर्सियाँ आपकी जो है ना ख़तरनाक किस्म की हैं, बंदा यहाँ से निकल उधर गिर जाता है। पिशावर में जाके जब ये गाड़ी ली तो इसका ये था कि इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, ना एसी चलता था, ना इसका फ़ैन था, सिर्फ एक कूलिंग का फ़ैन, वो वाला फ़ैन था जो इंजन वाला था। इसका हर काम हमने आगे कराया जी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। वो कहते हैं हम जब गए थे ना, क्या नाम है, फोर्थ की पर गए थे, इसका इंजन का काम कराया, इंजन पूरा रखवाया था हमने। फोर्थ की एकदम हुई है, हमने उसे कहा कि फ़ौरन रख दे इंजन, उसने इंजन वैसे जो रख के दिया ना, वैसे उसने हमें उठा के दे दिए। ये लेके जाते थे हर वक्त, ये रिकवरी पे उनके लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नौकर, इस पर रोटियाँ आती थी, ये आती थी। उन्होंने कहा जी गाड़ी ठीक है, हम लेके आए तो गाड़ी का इच्छा छट्टा सामने निकल आया था, ये यूँ हमें मिल गया। ये हमने कटवाई थी, हमारे हिसाब में कटी थी जी। इसको तो हमने संभाला है अब तक, जो अब लेवल में जाके। तो जी वॉइस, काम शाम हो रहा है अभी गाड़ी का, और आज पता लग रहा है कि प्रोजेक्ट के बाद ना इस गाड़ी में फर्स्ट टाइम है कूलिंग इतनी अच्छी दे रही अभी, लेकिन ये फर्स्ट पे है, वन पे है ये, बेस्ट यार है? सो जी बॉयज, अभी इसका ना कुछ यूँ है जैसे मैंने अपनी गाड़ी का किया था ना मेहरान का, तो अभी मैंने इसकी भी डिटेलिंग कुछ करनी है। ये जैसे पीछे के, इसको आपने एल्फी लगाई है या कुछ किया है? नहीं, कुछ भी नहीं वैसे किया,
जाली मिल ही नहीं रही इसकी, कुछ चीज़ें मिलती ही नहीं है यहाँ से, लेकिन यार बड़ा कमाल का माशाल्लाह एसी ज़बरदस्त हो गया, बेस्ट। बस अल्लाह करे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं ना ये वैसे ही जैसे हम सब सुन रहे हैं। फिर देना एक दफ़ा और नाज़रीन ग्रामी, गाड़ी का अभी यूँ है कि अच्छा खासा एसी काम कर रहा है। मैं नहीं सोच रहा था कि इतना किस हद तक एसी काम कर जाएगा, तारीफ ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, काफ़ी सारा काम होता है गाड़ी का, लेकिन सेटिस्फाई फ्रॉम दिस। अब सिर्फ गाड़ी के ना वो रह गई है, लश पश रह गई है गाड़ी के बस। तो जी बॉयज, जैसे आपने देखा है एसी का काम सक्सेसफुली कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट तो नहीं कह सकते, सिर्फ मिनी प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट जो है पिछले मेरे ब्लॉग जो है मेरे चैनल था उस पर सारा इस गाड़ी का था। तो हमें कोई ना हलाल ही बंदा नहीं मिल रहा था जो हमारी ना गाड़ी का एसी सही काम कर सके। किसी के पास जाते हुए कहते हैं कंप्रेसर ख़राब है, किसी के पास जाते थे वो कहते हैं ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है। ये फर्स्ट टाइम एक बंदा मिला है, उसने बिल्कुल ठीक से पाइप्स को वॉश किया, एसी बेस्ट काम करना शुरू हो गया। और मैंने फर्स्ट टाइम 1600 cc गाड़ी का इतना कमाल का एसी देखा पुरानी गाड़ी में से। खैर बॉयज, मैं तो फिर आ गया था घर, मामू को कभी मैं तो जा रहा हूँ घर, मुझे बहुत थकावट हुई है। सहरी का टाइम तकरीबन नियर अबाउट, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत